जस्टिस फॉर नेहा, ये बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, सोशल मीडिया, हर जगह पर। लेकिन ऐसा क्या हुआ नेहा के साथ? नेहा के साथ वही हुआ है जिसके ऊपर मैंने आपसे कुछ महीनों पहले वीडियो बनाया था। नेहा एक 23 साल की लड़की जो कि एमसीए की स्टूडेंट थी, वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलती है एग्जाम देकर, और वहीं उसका दोस्त फयाज एग्जाम सेंटर के बाहर सारे की सारी भीड़ के सामने, सारे स्टूडेंट्स के सामने उसको बेरहमी से 30 सेकंड के अंदर 7 से 8 बार चाकू, पीठ पर, गले पर, हर जगह। तब तक रहता है जब तक खूनम खून नहीं हो जाती हो। उसके बाद नेहा को ले जाया जाता है हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। ये केस है कर्नाटका का, अभी 18 अप्रैल 2024। नेहा हीरामठ, जो कि निरंजन हीरामठ, जो कि वहाँ के कांग्रेस के पार्षद है, उनकी बेटी है। और नेहा की दोस्ती और रखी होती है एक फयाज नाम के लड़के से, दोनों के दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे। फयाज अपने प्यार का इजहार करता है नेहा से, जबकि नेहा को उससे प्यार नहीं होता, तो वो पोलाइटली उसको मना कर देती है कि हम नहीं आ सकते रिलेशन में। इसी के दौरान नेहा उससे दूरी बनानी स्टार्ट करती है, और फयाज उसको बार बार अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए बोलता रहता और बहुत तंग करने लगता है। इस बात से थोड़ा सा ना तंग आने लगती है नेहा। लड़की कितना ही डील करेगी, लड़की हमेशा कोशिश करती है कि पहले मैं खुद सॉर्ट आउट कर लूँ चीज़ें, पर जब वो नहीं होती है तो जो अच्छी एक समझदार लड़की होगी वो अपनी फैमिली या किसी बड़े की सहायता लेगी, जो कि नेहा ने किया। नेहा ने अपनी फैमिली को बताया इसके बारे में कि भाई ये लड़का और ये मेरे को अब तंग करने लगा। अब जो नेहा के घर वाले थे उन्होंने भी फयाज को समझाया कि ऐसा मत कर, कुछ फायदा नहीं है, दूरी बना ले। पर ये सारी चीजें किसी आम लड़कों पर चलती हैं, ऐसे हवानों पर नहीं चलती है जिन्होंने ठान रखी होती है या तो मेरी होगी या तो फिर ये किसी की नहीं होगी। नेहा को टाइफाइड और खाता, तो इसलिए ना नेहा अब 2-3 महीनों से कॉलेज ही नहीं जा रही थी। बट उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठीक हुआ और नेहा अपना एग्जाम देने गई, उसी दिन एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते उसको सामने फयाज दिखता है, और वो फयाज को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है, और घबरा कर जैसी रास्ता बदलती है, लेकिन उसी टाइम फयाज बिना कुछ सोचे समझे सीधा चाकू से कर देता है नेहा के ऊपर, और वो भी ऐसा जिससे कि मतलब एक होता है घाव देना, कुछ नहीं, उनको खत्म करना है, सीधा गर्दन पर पीट और ऐसे करना, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिससे तू यार अभी बोल रहा था तू प्यार करता है भाई। ऐसे में आसपास के लोग जो स्टूडेंट्स थे वो कैंपस में ही मार रहा था, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स में से कोई बचाने नहीं आया, और उन लोगों का ये कहना है कि हम डर गए थे बहुत ज्यादा। उसके बाद फयाज वहां से भागने की कोशिश करता है, हालांकि 1 घंटे के अंदर ही वो पकड़ा भी जाता है। अब ये जो मामला चल रहा है इसमें अब ABBP वाले सामने आ चुके हैं, जो वहां के गृह मंत्री उसके घर के बाहर आकर बोल रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है, और बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं कि हमें जस्टिस चाहिए नेहा के लिए। ठीक, क्योंकि ये साफ दिख रहा है ये लव जिहाद का मामला है। एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को पहले साथ में दोस्ती, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें दोस्ती बनानी है, तुम्हें नहीं समझ में आता है, तुम्हारे बुद्धि नहीं खुली हुई है और तुम्हें अपने आप को मॉडर्न लड़की बताना है, और तुम बोलते हो ना हम तो दोस्ती रख सकते हैं, रखो। नेहा जो है निरंजन हीरामठ की लड़की थी, जो कि वहां के कांग्रेस के पार्षद थे। यहां पर मैं कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं लेकर आ रहा हूं, बस जस्ट तुम अपना दिमाग खोल कर बैठना, क्योंकि इस चैनल पर अपन डायरेक्ट बात करते हैं भाई। लेकिन इस सबके बावजूद अब जब निरंजन हीरामठ से पूछते हैं रिपोर्टर कि भैया क्या रीजन हो सकता है, क्यों फयाज ने आपकी बेटी को, तो उनकी स्टेटमेंट क्या पता है, वो खुद बोल रहे हैं कि भैया लव जिहाद का मामला है, मेरी बेटी ने उस लड़के का प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने बदले में मार दिया। और अब यहाँ पर दूसरी चीज तुम समझ रहे हो क्या है, कि लड़की का बाप कांग्रेस की पार्टी का होने के बावजूद भी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया लव जिहाद का मामला है, और सारे के सारे जो शहर के देश के जितने भी अपने बाप है ना, अपनी बेटी को बचा कर रखो लव जिहाद के मामले से, अपनी बेटी को खुद कॉलेज और स्कूल लेने जाओ, छोड़ने जाओ, समझ रहे हो? वो क्यों बोल रहा है बाप ऐसा, क्यों? क्योंकि उसकी बेटी तो गई, क्लास था 4:30 तक खत्म करके, जैसे ही बाहर आते उनको कोई अनजान आदमी आके उसको 7-8 बार 30 सेकंड में उसको स्टैबिंग करके स्पॉट पे उसको करवा दिए, उसका देहांत हो गया। रीजन क्या है? वो ओल्ड स्टूडेंट था, उसने प्रपोज किया था उसको, वो प्रपोज रिजेक्ट किया इसने, ये थोड़ा उसको ऐसा चीज में लाइक नहीं करती है, दूर रहती है, तो उसके हिसाब से वो लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करते, तो रिफ्यूज़ किया, नहीं हमारे कास्ट अलग है, तुम्हारा कास्ट अलग है, और तुम मांगना भी नहीं, हम आपके साथ ये संबंध भी नहीं बढ़ाते करके ऐसा थोड़ा कड़कली बोला हुआ है, तो उसको गुस्सा के ये थोड़ा माइंड में रख के ये लोग ऐसा किया है। एक होता है ना कि एक स्टेटमेंट है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, क्यों? क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, उसे पता अब तो मैं जा ही रहा हूँ, सच बोल कर जाता हूँ। वही है यहाँ पर, निरंजन अच्छा खासा भाई कांग्रेस का पार्षद है, सब कुछ है, उसके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, और वो कांग्रेस की सपोर्ट वाली बात भी करता था हमेशा, लेकिन आज जब उसी की बेटी इस चीज का शिकार हो गई, क्योंकि है तो हिंदू ना, तो अब देखो स्टेटमेंट बदल चुकी है, अब वो बोल रहा है भाड़ में गया पैसा, भाड़ में गई पार्टी, सब कुछ, मेरी बेटी तो गई ना भाई, अब जो गलत है सो गलत है, अब वो बोल रहा है कि लव जिहाद है। लेकिन सरकार कर्नाटका में इस टाइम पर है कांग्रेस की, तो जो कांग्रेस की सरकार है वो पता है क्या बोल रही है,
वो बोल रही है कि हम अपने पार्टी के जो पार्षद है इसकी बात से ना सहमत नहीं करते पूरे तरीके से। I am telling you, BJP is trying to threaten us that they wanted to telling the, all the leaders they wanted to put a make a creation that there is no law order. Karnataka is the best law and order. Law will take its hand. They are just trying to tell the voters that they are going to put in the governor rule. That is what Mr. Ashok is trying confidentially, that they are going to place a governor rule and they are just doing all this type of drama. Nothing is there, they can't do that. It is impossible. Law will take its own course for everyone. क्योंकि ये लड़का और लड़की का निजी मामला है, लड़का लड़की दोनों प्रेम संबंध में थे, लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, दोनों के बीच की बात है। अब लड़की शायद कहीं और शादी करना चाह रही थी जिसकी वजह से लड़के ने उसको मार दिया। इसको लव जिहाद मत बोलिए प्लीज। तभी पता है क्या सही गलत, पता है हर किसी का राइट है। जिस पार्टी को सपोर्ट करना है करो, हर किसी का राइट है, लेकिन गलत को गलत बोलने की हिम्मत तो रखो यार। एक लड़की ने लड़के को मना कर दिया, नो रीजन, कुछ भी हो सकता है। अगर ये बोल रहे हैं कि शायद लड़की कहीं और शादी करना चाहती थी, सो व्हाट, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि देगा तो उसको, लड़की की चॉइस है ना भाई। ये क्या मेंटालिटी चल रही है? ऐसे में देश की हिंदू लड़कियां बाहर कैसे निकलेंगी? अभी साक्षी वाला केस बताया था ना मैंने, उसमें क्या हुआ था, वो लड़का हिंदू साहिल नाम से लड़की, वो माइनर लड़की का पीछा करता, उसके रिलेशन में आता, लड़की ने मना कर दिया, हिंदू बनके तेरे हाथ में कलावा, नाम साहिल, हिंदू बनकर वो उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फांसता है। और जब वो मना कर देती है, दिन दहाड़े चलती गली में, अभी यार कितना फेमस हुआ था वो साक्षी साहिल वाला केस, कितनी बेरहमी से 30 बार मारता वो। और मेरे को तो ना ये सोचकर अब हंसी आती है कि लोग इस चीज को मानते हैं। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है, सब तो प्रोपेगेंडा है बीजेपी वालों का। ये हिंदू तो जो हिंदुत्ववादी लोग हैं तो जानबूझकर फैलाते हैं ये प्रोपेगेंडा, यही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लव जिहाद जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आप बेवकूफो, कांग्रेस का पार्षद है वो निरंजन हीरामट, जिसकी लड़की के साथ ये हो गया है, तुम समझ रहे हो कितने उस बाप पे क्या बीत रही है इस टाइम पर? वो तक अब सब कुछ गया, उसकी बेटी गई, सब कुछ गया, वो तक इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया लव जिहाद है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भैया अपने अपनी बेटियों को बचा कर रखो, हम तो हो गए शिकार, आप लोग मत होना। सारी लड़कियों को बोलना चाहूंगा, थोड़ा बच कर रहो, जो तुम्हें दिखता है ना तुम्हारा अब्दुल अलग दिखता है तुम्हें, एंड रिजल्ट यही मिलेगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मुस्लिम समुदाय के हैं, समझ रहे हो, जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है, जो सिर्फ निकले हुए मारने के लिए। अदरवाइज तो मेरे मोहल्ले में भी रहते हैं एक दो मुस्लिम, मेरा तो अच्छा खासा भाईचारा है। इट्स ऑल अबाउट कुछ गंदे बंदे, तो अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आता तो भाड़ में जाओ। मेरा मोटिव है लड़कियों को बताना, अपनी हिंदू लड़कियों को, भैया दूर रहो, हिंदू पेरेंट्स कोई देख रहा है तो भैया दूर रखो इनको। फिलहाल पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस फॉर नेहा ट्रेंड कर रहा है यार। अब यही होता है एंड में, सारे बड़ा सुस्त है यार हिंदू, वहीं आसपास के जो लोग हैं वो निकल रहे हैं सड़कों पर, उसी के कॉलेज के बच्चे धरना कर रहे हैं, वहां के गृहमंत्री के घर के बाहर धरना कर रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी उसको कुछ सजा दो, कुछ भी करो, ठीक है वहीं के कर रहे हैं, बाकी सबको कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई किसी का खून नहीं खोलता भाई, हद हो गई। गलत चीज के लिए खून खोलना चाहिए, सिर्फ इसी केस के लिए नहीं, हर केस के लिए, हर गलत बात के लिए, कुछ भी हो, किसी भी समुदाय के लड़के या लड़की के साथ हो, होनी चाहिए, मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। अब ये मेरी वीडियो जो है ये लव जिहाद के ऊपर तुम बोल सकते हो, लेकिन इससे पहले जितनी भी वीडियो उसमें मैं किसी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, सारे के सारे मिक्स केसेस बताता हूँ मैं। मेरा सिर्फ मोटिव है कि सही चीज तुम लोग तक पहुंच जाए, सही चीज के लिए अगर तुम आवाज उठाओगे तो भाई रात को अच्छी नींद आएगी तुम्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आवाज उठाओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो जो लोग ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं उनको बढ़ावा ही दे दो, तुम मत बोलो कुछ लेकिन उनको बढ़ावा ही दे दो, उनकी वीडियो शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो, नहीं तो कोई पोस्ट डालिए अगर तो भाई उसको स्टोरी लगा दो, एंड वीडियो को अगर तुम छोटा सा लाइक दे दोगे ना इसको तो उससे थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिल जाएगा, लाइक से ना पैसा मिलता ना कुछ मिलता, बस इतना सा इसलिए सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ चलो साला इनको पसंद तो आ रही है, मतलब ध्यान तो दे रहे हैं भाई ये वीडियो के अंदर। अच्छाई और धर्म के लिए हमेशा लड़ो, अगर लड़ नहीं सकते तो भाई बोलो, अगर तुम बोल भी नहीं सकते ना भाई तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तो एटलीस्ट लिखो, और भाई लिख भी नहीं पा रहे ना तो साथ दो, जो लोग कर रहे हैं कुछ उनको पुश करो पीछे से, साथ दो अदृश्य होके, इतना तो कर सकते हो, तुम वो भी नहीं कर रहे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम धर्म के लिए अच्छाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहे तो सोचो तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं हो गया? सिर्फ जा रहे हो जॉब ये वो मस्ती मजाक, ठीक है भाई
जिस लेवल तक सपोर्ट कर सकते हो वो तो करो। जो धर्म के साथ है भाई, जो अच्छाई के साथ है, न्याय के साथ है, उसके साथ है, बात ही खत्म हो गई। तो तुम लोग जैसे जिसको सपोर्ट करना है करो, अगर ट्विटर पर हो तो ट्विटर पर आ जाओ, वहां पर मैं ये वीडियो अपलोड करने की सोच रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूएबल होगी, वहां पर चार लोग भी देखेंगे, तो वहां पर तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो। रीपोस्ट कर देना, एक क्लिक लगता है, चल जाएगी, समझ रहे हो? इतने से भी तुम्हारा एक पुश मिल जाएगा, दो लोग, दो लड़कियां एक्स्ट्रा देख लेंगी तो सुधर जाएंगी, सीख जाएंगी, सर्कल बदल लेंगी अपना, अगर लग रहा होगा उसको कि हाँ है साथ में अब्दुल अलग उसका।